चावलों में गड़बड़ी की आशंका के बाद यमुनानगर के सभी 159 राइस मिल में हुई फिजिकल वेरिफिकेशन लगभग एक सप्ताह के बाद पूरी हो चुकी है। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 14 टीम गठित की गई थी, अब ये वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ जगह पर वेरिफिकेशन 2-5% है। रिपोर्ट के आधार पर हेडक्वार्टर के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 1-2 दिन तक सभी 159 राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हेडक्वार्टर को सबमिट कर दी जाएगी। तो जैसे अभी स्टॉक का ही वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें स्टॉक के लेस है या एक्सेस है, तो ये दो प्रकार की कमियां होती हैं। तो वो है, मैंने बताया, जैसे है किसी में 2%, किसी में 3%, 5%, ऐसा वेरिएशन है। तो इसमें जो भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिसमें वेरिएशन है, वो हेडक्वार्टर की ओर से लिया जाएगा। हमने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट सबमिट करा दी। तो सर, ये जो टीमें गठित की गई थी जी, तो इसमें लोकल हैं या बाहर से भी हैं? नहीं नहीं है, जो टीमें गठित की गई थी उसमें लोकल बंदा तो जैसे एक ही है, जो राइस मिलर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे 14 टीमें हैं, 14 टीमों में एक ही एक बंदा वो डेप्यूट कर रखा है। इसके अलावा जैसे एक डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और जैसे वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या BDPO, वो टीम के इंचार्ज हैं। इसके साथ में जैसे JEE लगा रखे हैं, BO एग्रीकल्चर हैं, और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं, और एक ही जो जैसे फूड एंड सप्लाईज है, फिर हरियाणा वेयर हाउस, उनके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हमारे यहाँ से नहीं हैं, वो भी इस टीम में हैं। तो ऐसा ऐसा करके मतलब 6 बंदे हैं टीम में, 6 मेंबर हैं, तो वो उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। प्रोसेस तो अभी लगभग पूरा हो ही चुका है, PV तो हो ही चुकी है, रिपोर्ट सबमिट करानी बाकी, वो 1-2 दिन में हो जाएगी। 22 तारीख से शुरू आई और अभी जैसे लगभग सप्ताह भर में। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस TV। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस TV।